Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. In the previous class, we started chapter 4 and we learned that the executive comprises of the president, vice president, prime minister and his council of ministers and civil servants. So we have already discussed president and vice president, and now we will start with prime minister and his council of ministers. So there are two houses of the legislature, there is Lok Sabha and there is Rajya Sabha. अब लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, जब हम अपने MPs चूज़ करते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चूज़ करते हैं, तो जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, दैट पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. दैट मीन्स उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लोकसभा, द टोटल सीट्स इन लोकसभा आर 543. तो जो पार्टी 271+1, जो कि 543 का मेजॉरिटी हुआ, सो जो भी पार्टी 272 और मोर देन 272 सीट्स दे सिक्योर इन द लोकसभा, दैट पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. सो करंटली द बीजेपी पार्टी, इट हैज़ अराउंड मोर देन 280 सीट्स, तो उनकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, इसीलिए उन्होंने फिर अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया, नरेंद्र मोदी जी, एंड दैट इज़ वाई नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री. सो दैट मीन्स जिस पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी होएगी, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी. सो करंटली वी हैव आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नाउ नरेंद्र मोदी के नॉट डू ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ. देयर इज़ वर्क रिलेटेड टू डिफेंस, देयर इज़ वर्क रिलेटेड टू फाइनेंस. सो ऑब्वियसली ही के नॉट डू ऑल दिस ऑन हिज ओन. So what he will do is he will choose some of his ministers. He will have a defense minister, he will have a home minister, he will have a finance minister, sports minister and many other. So what he will do is he will choose those ministers. Now those ministers, they can either be members of the parliament, or if they are not, agar wo abhi MPs nahi hai, then they will have to become the members of parliament within 6 months, right? So you will have to remember this period of 6 months. For example, Amit Shah ko Narendra Modi, he gives the home ministry, but he is not the member of either house. So he is required to become a member of either house within 6 months. So that means initially a minister can be made, someone can be made as a minister who is not a member of either house, but he is required to become a member in within 6 months. Now about this Lok Sabha, Rajya Sabha, you will learn about more this in the next chapter, which will be on a legislature. So abhi प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर फोकस करते हैं. सो दिस वे द प्राइम मिनिस्टर इज़ चूजन, एंड देन प्राइम मिनिस्टर ही चूजेज सम ऑफ द मिनिस्टर्स एज हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. सो ऐसे होते हैं, राइट? करंटली कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि वी हैव अमित शाह, वी हैव निर्मला सीतारमन, लाइक दीज, दे आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर देन डिवाइडेड इंटू थ्री. देर आर डिप्टी मिनिस्टर्स, देर आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, एंड देर आर कैबिनेट मिनिस्टर्स. नाउ काइंडली डू नॉट कन्फ्यूज़ दीज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद समवन, यू नो, यानी कि कोई स्टेट का मिनिस्टर होगा. नो, ये कुछ सेंटर के ही मिनिस्टर्स हैं, जस्ट द नेम इज़ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एंड देन वी हैव डिप्टी मिनिस्टर्स. तो अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो इन मिनिस्ट्रीज़ को होल्ड करते हैं. अगेन, जैसे कि अमित शाह हो गए, निर्मला सीतारमन, सो दे आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स. उनके नीचे आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. अब ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये खुद भी किसी मिनिस्ट्री के इंचार्ज हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज, दोज मिनिस्ट्रीज विच आर नॉट दैट प्रोमिनेंट, तो वो उन मिनिस्ट्रीज़ के इंचार्ज भी हो सकते हैं, या फिर जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, दे असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स.
वैसे ही डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स अपनी किसी मिनिस्ट्री के इंचार्ज नहीं होते, दे असिस्ट द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एज वेल एज द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन हो गए? कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं दे आर हेल्ड बाई दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी हुई लोकसभा में, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होएगा। देन द प्राइम मिनिस्टर विल चूज हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर विल डिस्ट्रीब्यूट देम देयर मिनिस्ट्रीज। द प्राइम मिनिस्टर विल चूज गिव देम देयर मिनिस्ट्रीज। सो दिस इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज लॉस्ट द प्राइम मिनिस्टर लूजेज हिज ऑफिस। सो ही शुड हैव द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा एंड इफ ही डज नॉट हैव दिस मेजॉरिटी ही शुड रिजाइन। सो दिस इज द इमेज शोइंग the President, Vice President, Prime Minister and then the Council of Ministers, which are then divided into Cabinet Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and there are Parliamentary Secretaries as well, and these also we will study in the upcoming classes. So the Prime Minister then decides कौन उनको Council of Ministers choose करने हैं and then the Prime Minister ही उनको portfolios या फिर जो ministries हैं उनको वो distribute करते हैं. So please remember, it is not the president, in fact it is the prime minister who allocates them ranks and portfolios to the ministers. Depending on the seniority and political importance, the ministers are given the ranks of cabinet ministers, ministers of state or deputy ministers. In the same manner, chief ministers of state also choose ministers from their own party or a coalition. So same process states mein chalta hai. So this is the image showing some of our कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे शुड बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बट इफ दे आर नॉट देन दे विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months। नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जब प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेंगे कि उनको कौन कौन मिनिस्टर्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम लिमिट कि कितने मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है। अब पहले ये होता था, क्योंकि अगर किसी पार्टी की लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं बनी तो कोएलिजन हो जाता था। सम ऑफ़ द पार्टीज़ दे यूज़ टू कम्बाइन एंड दे यूज़ टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिनको हम क्या कहते थे, कोएलिजन गवर्नमेंट्स। तो अब ये होता था कि दूसरी पार्टीज़ के मेंबर्स को ल्योर करने के लिए ये बोला जाता था दैट यू जॉइन आर पार्टी, सपोर्ट आर पार्टी एंड वी विल मेक यू मिनिस्टर्स। ऐसे होता था क्योंकि बहुत टाइम तक इंडिया में देयर वॉज रूल ऑफ द कोएलिजन गवर्नमेंट्स। नो पार्टी वुड सिक्योर मेजॉरिटीज एंड दैट इज़ वाई देयर यूज टू बी दिस रूल ऑफ कोएलिजन गवर्नमेंट्स। तो डिफरेंट पार्टीज़ क्या करती थी, दे यूज टू टॉक टू द मेम्बर्स ऑफ अदर पार्टीज एंड दे यूज टू ल्योर देम दैट यू जॉइन आर पार्टी एंड वी विल मेक यू अ कैबिनेट मिनिस्टर और अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसकी वजह से जो साइज होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, इट यूज टू बी वेरी बिग, इट यूज टू एक्सपैंड एंड दैट इज़ वाई इट वॉज लिमिटेड बाई द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। सो बिफोर दिस अमेंडमेंट देयर वॉज नो बार ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑन द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट आफ्टर दिस 91st अमेंडमेंट एक्ट इट वॉज लिमिटेड एंड नाउ द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो लोकसभा के टोटल जितने मेंबर्स हैं उनके 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एंड सेम इज़ इन द केस ऑफ स्टेट असेंबलीज। नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट्स टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। दैट मीन्स
अगर उनकी मेजॉरिटी थी तभी उनकी गवर्नमेंट बनी, दैट इज़ वाई दे आर नाउ होल्डिंग दिस पोजिशन, दे आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे हैव देयर प्राइम मिनिस्टर। बट अगर उनकी ये मेजॉरिटी नहीं रहती है, अगर इफ़ दे लूज दिस मेजॉरिटी देन ऑल ऑफ देम विल हैव टू रिज़ाइन। दैट मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहे हैं देन ऑटोमेटिकली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो दे रिज़ाइन, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं होता दैट ओके अमित शाह विल रिज़ाइन एंड रेस्ट ऑफ देम दे विल वर्क, नो दैट इज़ नॉट द केस। इफ़ दे लूज देयर मेजॉरिटी इन द लोकसभा देन ऑल ऑफ देम रिज़ाइन, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। सो दिस इज़ फर्स्ट, एंड सेकेंड इज़ दैट ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दे हैव सॉलिडारिटी इन बिटवीन देम। सपोज देयर इज़ अ कैबिनेट मीटिंग गोइंग ऑन, कुछ इंडिया चाइना का इशू डिस्कस हो रहा है, एंड वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर सपोज अमित शाह, ही इज़ नॉट अग्रीइंग विद वॉट रेस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर डिस्कसिंग। सो बट मेजॉरिटी इज़ विद वन डिसीजन एंड अमित शाह ही इज़ थिंकिंग ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट एंड ही थिंक्स दैट दिस शुड बी डन इन दैट वे, बट मेजॉरिटी इज़ discussing that thing and majority is in favor of the other point. So the Amit Shah, वो जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, जब पर्सनल मीटिंग चल रही है, देयर ही कैन क्रिटिसाइज देम, ही कैन पुट फॉरवर्ड हिज पॉइंट्स, बट इन द पब्लिक ही कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और द और अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ही विल हैव टू स्पीक इन द फेवर। अमित शाह पब्लिक में आके ये नहीं बोल सकते दैट दिस पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी इज़ नॉट गुड, ही शुड नॉट डू लाइक दिस, नो। उनको अपनी एक बीच में रखना होता है, सो ही कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट हिम। बट इन केस इफ़ ही डज नॉट वॉन्ट टू सपोर्ट देम, ही इज़ कम्प्लीटली लाइक नो दिस शुड नॉट बी डन दिस वे, देन इफ़ ही वॉन्ट्स ही कैन रिज़ाइन। अमित शाह रिज़ाइन कर सकते हैं बट ही कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट ऑल दिस। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. This provision means that a ministry which loses confidence of the Lok Sabha is obliged to resign. Collective responsibility is based on the principle of solidarity of the cabinet. It implies that a vote of no confidence even against a single minister leads to the resignation of the entire council of ministers. It also indicates that if a minister does not agree with a policy or a decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign. तो अमित शाह या तो उस decision को accept कर ले या फिर resign कर दे। It is binding on all ministers to pursue or agree to a policy for which there is collective responsibility. So I hope now you have understood what is the difference between cabinet and the council of ministers. So basically cabinet is a part of council of ministers, but usme kuch zyada important ministries wale ministers aate hain. So this is the difference. Now the council of ministers cannot exist without the prime minister. So obviously जैसे ही prime minister oath लेते हैं तो वैसे ही council of ministers they come into the scene. But as soon as he resigns, अगर आज नरेंद्र मोदी resign करते हैं then the other council of ministers उनका automatically resign हो जाता है. So they cannot exist without the prime minister. If there is no prime minister then automatically there is no council of ministers. The council comes into existence only after the prime minister has taken the oath of office. The death or resignation of the prime minister automatically brings about the dissolution of the council of ministers. Automatically dissolve ho jate hain council of ministers. The prime minister acts as a link between the council of ministers on one hand and the president as well as the parliament on the other. So basically idhar parliament hai, idhar council of ministers hai, beech mein there is the prime minister, he is a link between both of them. और हेयर इज़ प्रेजिडेंट, हेयर इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बीच में प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ द लिंक. सो एट द स्टेट लेवल ऑल्सो देयर इज सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देयर इज़ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड देन देयर आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच आर चोजन बाय द चीफ मिनिस्टर. सो देयर इज द सेम पैटर्न इज फॉलोड. नाउ दिस इज द इमेज शोइंग वेरियस गवर्नर्स ऑफ इंडिया.
Now coming on to permanent executive. So I hope you remember the difference between the political executive and the permanent executive. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, आईएएस ऑफिसर्स. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट एग्जीक्यूटिव. सो ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइंड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज. तो बेसिकली जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती है, कोई भी पॉलिसी हो जाए, वो ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे डू ऑल दिस वर्क. नाउ ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर सपोज टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल. कोई भी आईएएस ऑफिसर मीडिया में ये नहीं बोल सकता दैट ओके बीजेपी इज़ गुड, कांग्रेस इज़ बैड. नो, दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल एज वेल एज दे आर पॉलिटिकली अकाउंटेबल. Now this is the image showing the difference between the political executive and permanent executive. So in a democracy, it is always possible that a party is defeated in elections and the new government wants to opt for new policies in the place of policies of the previous government. तो ऐसे होता है obviously democracy में. आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो, तो वो जो IAS officers हैं, वो जो bureaucrats हैं, civil servants हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि पहले बीजेपी थी अब कांग्रेस है. दे आर जस्ट सपोज्ड टू डू देयर वर्क फेथफुली एंड इफेक्टिवली दे शुड पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. उनको अपना काम फेथफुली करना है. दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल. सो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, state services, employees of the local governments and technical and managerial staff running public sector undertakings. So these are all basically the permanent executive. Now the body who appoints these bureaucrats, that is the UPSC, Union Public Service Commission, and similarly we have Public Service Commission for the states. These bodies, they conduct the examinations and then they appoint these bureaucrats. Members of public service commissions are appointed for a fixed term. Their removal or suspension is subject to a thorough inquiry made by a judge of the Supreme Court. तो अब ये जो UPSC या फिर public service commission के members होते हैं, उनका fixed term होता है और इनका जो removal या फिर suspension है, तो इस ये सब का एक process होता है और इनकी जो inquiry होती है, that is made by the judge of a Supreme Court. Now there are also reservation. इसमें we know that there are reservation of jobs for Dalits and Adivasis, and similarly reservations are made for women and backward classes. So this is done to ensure that bureaucracy would be more representative. People from all the backgrounds, they are part of our bureaucracy. So this is the reason why reservation is done. Now an IAS or IPS officer is assigned to a particular state where he or she works under the supervision of the state government. अब ये जो IAS और IPS officers होते हैं, उनको किसी भी state में उनको काम करना होता है. Now उनकी appointment जो होती है वो central government करता है, but they are working under the state government. So और जो central government है, only the central government can take disciplinary decisions against them. So that means the key administrative officers of the state are under the supervision and control of the central government. तो जो bureaucrats हैं, उनके ऊपर जो control है, उनका जो appointment है, वो central government देख रही है, but they are working under the supervision of the state governments. So this was all about the permanent bureaucracy. Now we will be discussing some MCQs, some sample MCQs. So the first one is, who can initiate impeachment of the president? So we discussed this in the previous class that any house of the parliament and with the support of 1/4 of the members, they can initiate impeachment proceedings against the president. So the answer is A. Next is, consider the following statements. The resignation of the Prime Minister means the resignation of the whole cabinet. Yes, this is true. We just discussed this.
It is on the advice of the Prime Minister and the that the President summons and prorogues Parliament and dissolves Lok Sabha. Ab ye summon, prorogue, this we will discuss in the next chapter. But yes, all this is done by the President on the advice of the Prime Minister. So the answer is both 1 and 2. So this was all about chapter 4, Executive. I hope it is clear to you all. Thank you.